Welcome back students, this is the video for class 2, subject computer, lecture number 16, and this is a chapter number 3. In your last video, we completed your tick the correct as well as true false for this chapter, and in this video we will start your rest of the exercises. हमने आपकी लास्ट वीडियो में क्या किया था कि चैप्टर नंबर 3 के टिक द करेक्ट और साथ में ट्रू फॉल्स कर लिए थे, और इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो इस एक्सरसाइज में दिए हुए थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका सी नंबर क्वेश्चन है, कलर द बलून्स दैट मेंशन व्हाट कंप्यूटर्स कैन नॉट डू. उन बलून्स को कलर करना है जो बलून्स ये दिखाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता. ठीक है, फर्स्ट है टेक डिसीजंस. ठीक है, तो कंप्यूटर डिसीजंस नहीं ले सकता खुद से. ठीक है, तो ये इस बलून को आप कलर कर देंगे. मैंने हल्का सा पेंसिल से शेड कर दिया है, आप इसको कलर कर लेंगे. ठीक है, सेकंड है वर्क वेरी फास्ट, यानी कि कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, तो ये काम तो कंप्यूटर कर सकता है, तो इसे कलर नहीं करेंगे. ठीक है, थर्ड है गेट टायर्ड, यानी कि थक जाता है. तो कंप्यूटर थकता है, तो कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, तो आप इसे अब फिर कलर कर देंगे इस वाले को, गेट टायर्ड वाले को. फोर्थ है कैन थिंक, तो कंप्यूटर क्या खुद से सोच सकता है कभी भी, तो नहीं सोच सकता है. ठीक है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, कलर कर लेंगे. फोर्थ है वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस, बिना निर्देशों के क्या कभी कंप्यूटर काम कर सकता है, तो नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे, इसको भी कलर कर देंगे. तो ये आपका सी नंबर क्वेश्चन हो गया. डी नंबर क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी वन थिंग दैट कंप्यूटर डू बेटर देन अस, यानी एक ऐसी चीज़ का नाम लिखिए जो कंप्यूटर हमसे अच्छे तरीके से कर सकता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट कैन डू कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, ये बहुत तेज तेज कैलकुलेशंस कर सकता है जो हम नहीं कर सकते. ठीक है, सेकेंड है राइट एनी वन थिंग दैट मैन कैन डू बट कंप्यूटर कैन नॉट, एक ऐसी चीज़ का नाम लिखिए जो चीज़ इंसान कर सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता. तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस, कंप्यूटर्स खुद के अपने निर्णय नहीं ले सकता. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इट कैन डू कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, और सेकंड का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस. ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको ये करना है, उसको सर्कल करना है कंप्यूटर या बच्चे में जिसको आपको लगता है ये चीज़ बोली होगी. ठीक है, जैसे ये है फर्स्ट है आई फॉरगॉट योर फ़ोन नंबर, तो इनमें से कौन चीज़ें भूलता है, तो ह्यूमन, तो आप इसको सर्कल कर देंगे. ठीक है, सेकेंड है आई कैन नॉट टेक डिसीजंस, मैं खुद से निर्णय नहीं ले सकता, तो कौन नहीं ले सकता, कंप्यूटर नहीं ले सकता, तो आप कंप्यूटर को सर्कल करेंगे. थर्ड है आई नीड योर इंस्ट्रक्शंस, मुझे आपके निर्देशों की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर हो जाएगा, तो इसको फिर से सर्कल करेंगे. नो इलेक्ट्रिसिटी हाउ डू आई वर्क, बिजली नहीं है मैं काम कैसे करूँ, तो ये कौन बोल सकता है, ये कंप्यूटर बोल सकता है. फिर है आई एम बोर्ड ऑफ दिस मूवी, मैं इस मूवी से बोर हो गया हूँ, ये कौन बोल सकता है, बॉय बोल सकता है. फिर सिक्स्थ है ऋषि, ऋषि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये कौन बोलेगा कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये इंसान ही बोल सकते हैं, बच्चा ही बोल सकता है, तो ये फिर से इस बॉय को सर्कल कर देंगे. तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आप इस चैप्टर को अपनी बुक में कर लेंगे अच्छे से, और फिर याद कर लेंगे. थैंक यू.